एक फ्रिक्शन फ्लोर में रखा गया है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एच तो एच निकालना है हम लोगों को जिसमें वो प्योर रोलिंग करना शुरू करेंगे अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आप ज्यादा क्लियर हो जाएंगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे मैंने जनरल ऑब्जेक्ट ले लिया है कोई भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं मैंने कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट ले लिया है एट अ हाइट एच एफ लग रहा है तो उस कारण एक ए भी आएगा अल्फा भी आएगा नॉर्मल आएगा एम जी आएगा तो हम लोगों को एच निकालना है जिसके कारण ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्योर रोलिंग करना शुरू कर दे है ना इसमें मेरे को बहुत सारे ऑप्शन दिए रहे हैं पी क्यू आर एस और मैचिंग करना है हम लोगों को जैसे एडवांस में होता है जैसे एडवांस वजह जैसे आता है पी क्यू आर एस मैचिंग करना है है ना तो अपने को ऑप्शन सिलेक्ट करना है राइट वाला तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन तो इसके कारण क्या होगा कि ये एफ फोर्स लगने के कारण एक एक हॉर्जोंटल एक्सेलरेशन आएगा है ना जिसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ का कर कारण एफ बाई एम है ना पहला ही क्वेश्चन वहाँ से आ गया अब हमको पता है कि इसके साथ साथ एक रोटेशनल मोशन भी करेगा रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि हम लोग को लिखना होगा कि जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा एफ एफ के कारण जो टॉर्क आएगा सेंटर सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग कैलकुलेट करेंगे रोटेशन रोटेशन नेट टॉर्क जो होता है हम लोग को पता है इक्वल टू आई इं टू अल्फा होता है अब हम लोग नेटवर्क कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा हम लोग को दिख रहा है कि जो एम जी और एन है वो दोनों का टॉर्क जीरो हो जा रहा है क्योंकि दोनों सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं इनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है सब सेंटर ऑफ मास के कारण जो भी टॉर्क आएगा वो एफ के कारण आएगा तो हम लोग लिखेंगे नेट टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी वो हो जाएगी एफ इन टू एच एफ इन टू आर पर पेंडिकुलर है ना टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ होता है जिसको हम लोग रिड्यूस करते हैं तो आर एफ साइन थीटा हो जाता है या फिर हम लूज कर देते हैं थीटा एफ। इसका मतलब क्या होता है एफ इंटू आर पर पेंडिकुलर है ना यहाँ से कॉन्सेप्ट आता, आता है तो एफ इंटू एच इक्वल टू आई इंटू अल्फा जिससे हमारी अल्फा की जो वैल्यू आ जाती है वो होती है एफ एच अपॉन आई है ना तो ये अपना सेकेंड इक्वेशन आ गया अब हम लोग को पता है कि अगर ये प्योर रोलिंग करेगा है ना मतलब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में रिलेटिव एक्सिलेशन जीरो मतलब ए इक्वल टू आर अल्फा करना है अपने को फॉर प्योर रोलिंग जो ए बराबर आर अल्फा होना चाहिए है ना तो इससे हमारे को क्या पता चलता है कि एफ अपॉन एम ए की वैल्यू है एफ अपॉन एम है ना ऊपर से मैंने डाली इक्वल टू आर इन अल्फा की वैल्यू है एफ एच अपॉन आई है ना तो इससे क्या आ जाता है अपनी एच की वैल्यू आ जाती है हमारी एच की वैल्यू आ जाती है आई बाय एम आर ये एक्चुअली कैपिटल एफ होगा तो कैंसिल हो जाएगा तो एच की वैल्यू मैंने जनरल निकाल ली आई है आपका मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास तो हम एक एक करके हर ऑब्जेक्ट के लिए आई बाई एम आर निकालते जाएंगे और मैच करते जाएंगे तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके ऑब्जेक्ट और आई बाई एम आर की वैल्यूज निकालते हैं रिंग के लिए आई की वैल्यू क्या होती है एम आर स्क्वायेर अपऑन एम आर तो जो कि आर आ जाएगी हॉलो के लिए क्या होती है टू बाई थ्री एम आर स्क्र अपॉन एम आर तो वो हो जाएगी टू आर बाई थ्री डिस्क के लिए होता है एम आर स्क्वेयर बाई टू अपॉन एम आर तो वो आ जाएगी आर अपॉन टू और सॉलिड स्वेयर के लिए हो जाता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर एम आर है ना तो ये आ जाएगा टू बाई फाइव आर है ना तो अब मैंने जो है लिस्ट वन और लिस्ट टू की आ, आंसर्स बगल बगल रख दिए हैं रिंग का टू आर बाई थ्री आया था इसमें तो इससे ऑप्शन तो निकल के आता है वो होता है पी फोर क्यू वन आर टू एस थ्री तो एज द फाइनल आंसर क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ पर